हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट्स। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मेरा नेम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गया हो कि आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें बोलते हैं कि भाई मुद्रा लोन के बारे में बताइए, हमें मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं, मुद्रा लोन हमें कहाँ पर मिलेगा, क्या इंटरेस्ट होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर लेने के लिए और किसको ये लोन मिलता है, इस तरह कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं मुद्रा लोन, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, कैसे आपको ये लोन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लाइक करना तो बनता है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी मुद्रा लोन की, ओके। और अगर आप नए हमारे पहली बार वीडियो देख रहे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सो गाइस चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बता दूँ आपको कैसे आपने मुद्रा लोन लेना हो, क्या इसकी डिटेल है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने और कहां से आपको ये लोन मिलेगा। चलिए शुरू। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा लोन की योजना के बारे में। मुद्रा लोन है क्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका नाम है मुद्रा लोन योजना। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। यहाँ पर आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन को वो व्यक्ति ले सकता है जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। इस लोन की खास बात यह है कि विदाउट गारंटी मिलता है, किसी गारंटी देने की जरूरत नहीं, ये लोन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इस लोन को लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो इस लोन को आप 5 साल के लिए ले सकते हैं और बैंक आपको मुद्रा कार्ड की सुविधा भी देती है। यहाँ पर आपको एक रुपए कार्ड मिलता है, उसको आप जो है किसी भी एटीएम में यूज कर सकते हैं। सो गाइस आपने मुद्रा लोन के बारे में तो जान लिया, मुद्रा लोन लेने की योग्यता के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो मुद्रा लोन लेना चाहता है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस लोन को वो भारतीय नागरिक ले सकता है जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, 10 लाख रुपए तक के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर खेती के अलावा आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर औरत इस काम को करना चाहती है तो औरतों के लिए भी ये लोन अवेलेबल है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस करें तभी आपको ये लोन मिलेगा। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, छोटी मोटी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मैकेनिक, दर्जी, कुम्हार या फिर छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं तो भी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइज मुद्रा लोन भी 3 तरह के होते हैं, एक शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन, तीसरा तरुण लोन। अगर आप शिशु लोन लेते हैं तो इसके अंदर आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। अगर आप किशोर लोन लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। और गाइज तीसरा है तरुण लोन, तरुण लोन के अंदर आपको 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा शिशु लोन, जिसके अंदर आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। अगर आप उससे बड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा किशोर लोन, जिसके अंदर आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। और अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं अंदर आपको मिलेगा तरुण लोन, जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो गाइस ये है 3 तरह के लोन। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर पिछले 2 महीने का टेलीफोन बिल, बिजली का बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रसीद आपको यहाँ पर देनी होगी। बिजनेस प्रूफ आपको यहां पर देना होगा और आपको आपके बैंक की स्टेटमेंट यहां पर देनी होगी। आपको इंटरनेट से डाउनलोड की हुई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी है, यहां पर आपको प्रॉपर बैंक के अंदर जाकर वहां से अपनी जो है बैंक से वेरीफाई किया हुआ ब्यौरा देना होगा। आपको यहां पर आयकर रिटर्न देना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी, जो भी आप बिजनेस आप करना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट पूरी देनी होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं ये लोन आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बैंक में जाना है। इस बैंक में जाने के बाद इस लोन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, इंटरेस्ट रेट का पता करना है और आपको लोन के लिए अप्लाई करना है बैंक के अंदर। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद आपको बैंक के अंदर सबमिट कर देना है। जब आप बैंक के अंदर सबमिट कर देंगे, बैंक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में अगर आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ये लोन आपका सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस ये थी मुद्रा लोन की जानकारी। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना। नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा की जानकारी आपको वहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप बैंक के अंदर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इस लोन के अंदर आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ब्याज पर ये लोन आपको मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ आएगा किस तरीके से अपने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।